नमस्कार, नाम शुभम, देख रहे हैं आप मेगा फैक्ट। और बेसिकली आज का ये वीडियो होने वाला है कि आपको आज के इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ पांच ऐसे मोबाइल जो कि 15,000 से कम के बजट में है। स्पेसिफिकेशन सारे मेरे हाथ में, क्योंकि पांच मोबाइल्स का स्पेसिफिकेशन याद करके बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी मोबाइल बेसिकली मैंने आपको बताया है कि ये जो मोबाइल मैं बता रहा हूँ वो बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर तीनों ही बेटर आपको मिलेगी, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और 15,000 से कम में ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको ये पता करना है कि मेगापिक्सल क्या होता है, अगर आपको ये जानना है कि कैमरे में सिर्फ मेगापिक्सल ही डिपेंड नहीं करता है, और भी चीज़ें होती हैं मोबाइल में जो हमें देख लेनी चाहिए, तो आई बटन पर मैंने लिंक दी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। एक डेढ़ साल पहले वो वीडियो मैंने बनाया था। उसके अलावा मोबाइल ख़रीदने से पहले, आपको शॉप पे जाने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मोबाइल के बारे में जान लेनी चाहिए, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आज बेसिकली शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि वो पांच फ़ोन कौन से हैं जो 2019 में 15,000 से कम के बजट में आते हैं। तो सबसे पहले पाँचवें नंबर पर मैंने रखा है ऑनर 20i को। ऑनर 20i प्राइस के मामले में अगर बात करें तो 14,999 का है। ट्रिपल कैमरा है इसमें, जी हाँ आपने सही सुना, ट्रिपल कैमरा है इसमें। और 128 GB जो इसमें इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगी, 3400 mAh की बैटरी है और फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है 32 MP का है। तो प्राइस के मामले में मेगापिक्सल के मामले में, और अगर प्रोसेसर की और ट्रिपल कैमरा भी है इसमें, तो इन सब के मामले में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो चौथे नंबर पर मैंने रखा है, पाँचवें नंबर पर मैंने रखा है ऑनर 20i को। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो मैं सजेस्ट करता हूँ रेडमी नोट 7s इसलिए क्योंकि गोरिल्ला ग्लास से लैस है। उसके अलावा क्वालकॉम का 660 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन के नाम से बनाती है, काफ़ी बेस्ट है। 4000 mAh की बैटरी और 12,999 का इसका प्राइस रखा गया है। तो जो तीसरे नंबर पर मैं फ़ोन सजेस्ट करूँगा, जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है रेडमी नोट 7 प्रो जनाब, इसलिए क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से ग्लासी है, ग्लास लुक आपको मिला है, ग्लास से पैक है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है इसमें। प्रोसेसर 675 स्नैपड्रैगन, और अगर गेम लवर है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और प्राइस के मामले में अगर बात करें तो 13,999 का प्राइस है और 4 GB रैम है, 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है आपको। और सबसे बेस्ट फ़ोन जो मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूँ, वीवो G1 प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो को साथ हाथ में लेकर के मैंने यूज़ किया है, बाकी इन दो फ़ोन को रेडमी नोट 7s और ऑनर 20i को मैंने यूज़ नहीं किया है। तो बेसिकली मैं स्पेसिफिकेशन देख करके इन दोनों फ़ोन के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर बात करूँ कि हाथ में लेकर के मुझे जो फ़ोन मैंने यूज़ किया, जो मुझे सबसे बेटर लगा, चाहे वो प्रोसेसर के मामले में हो, चाहे वो कैमरा के मामले में हो, चाहे वो प्राइस के मामले में हो, तो वो है वीवो G1 प्रो। जी हाँ, वीवो का ये जो फ़ोन है 5000 mAh की बैटरी याद रखिए, 5000 mAh की बैटरी है, 712 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है आपको, जो कि रेडमी नोट 7 से बेहतर है। रेडमी नोट 7 प्रो आपको 675 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देता है, ये आपको 712 स्नैपड्रैगन का देता है प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट ही है। 3 कैमरों से लैस है, ट्रिपल कैमरा है भाई साहब, और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलता है और इसकी रेंज 15,000 के करीब है। तो 15,000 से कम की रेंज में अगर आपको चाहिए बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर के मामले में, तो ऑनर 20i, रेडमी नोट 7s, रेडमी नोट 7 प्रो और वीवो G1 प्रो। वीवो G1 प्रो को मैंने रैंकिंग 1 इसलिए दी है 15,000 से कम के बजट में, क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, 712, ट्रिपल कैमरा है भाई और 5000 mAh की बैटरी है, 5000। लेकिन हमें रेडमी नोट 7 5000 की बैटरी तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी दोनों ही फ़ोन एक साथ आए थे और एक से बढ़कर एक स्पेसिफिकेशन भी इन लोगों के थे, और काफ़ी बेटर रेडमी नोट 7 प्रो ने टक्कर दी है वीवो G1 प्रो को। दोनों ही बेटर हैं, दोनों में कैमरे में अगर आप देखेंगे तो 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फिर भी अगर मैं रिकमेंड करूँ तो वीवो G1 प्रो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को। अगर आपका बजट 18-19 हज़ार तक का है, अगर 18-19 हज़ार तक आपका बजट है, तो आप थोड़ा अगर अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A50 भी आप ले सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A50 जो है 18,500 का है, तो अगर आपका बजट 19,000 तक का है तो इस फ़ोन के लिए आप जा सकते हो, नहीं तो 15,000 से कम के बजट में यही जो चार फ़ोन मैंने आपको बताए, ऑनर 20i 14,999, रेडमी नोट 7s 12,999, रेडमी नोट 7 प्रो 13,999 और वीवो G1 प्रो जो कि आपको 15,000 का आता है, और
यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी के मामले में 15,000 से कम के बजट में इससे बेहतर टेक्नोलॉजी, इससे बेहतर प्रोसेसर, इससे बेहतर कैमरा तो कोई नहीं दे सकता। अगर आँख बंद करके आपको लेना है, आपका बजट 10 से 15 के बीच में है, तो ये सारे फ़ोन आँख बंद करके आप ले सकते हैं। इसी महीने 6 और फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं और उनका भी स्पेसिफिकेशन मैं बहुत जल्द देख करके आपको बता दूँगा। अगर यूज़ करने को मिला तो मैं यूज़ करके भी आपको बता दूँगा।